ये क्वेश्चन एलजेब्रा का है और ये बहुत तो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक्स प्लस वन बाय एक्स पावर थ्री दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स पावर फाइव प्लस वन बाय एक्स पावर फाइव का मान कितना होगा, ये आपसे पूछना है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि उसमें एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर थ्री दे रखा है और आपसे पूछ रहा है एक्स पावर फाइव प्लस वन बाय एक्स पावर फाइव बराबर क्या होगा। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स। आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब तो एक्स प्लस जब एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर ए होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस टू, यानी तीन का स्क्वायर नौ, तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो घटेगा कितना ये सात। जब एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर ए दे रखा होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का होता है ए क्यूब माइनस थ्री, तो ए क्यूब की जगह कितना होगा तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस में से तीन तिया नौ अठारह, मतलब नौ घटेगा तो अठारह माइनस इसके जगह थ्री, ये कितना हो जाएगा आपका एक सौ छब्बीस में से तीन गए तो एक सौ तेईस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। मैं इसे एक बार लिख देता हूँ कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर अगर a दे रखा होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान कितना आता है ए स्क्वायर माइनस टू, ये तो सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे होता है जैसे स्क्वायर इन टू बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, यानी दो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस दो, ऐसे रिजल्ट आता है, आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद अगर मान लें कि अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर आपका ए दे रखा हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए के बराबर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा तो क्वेश्चन आपसे जल्दी से बनेगा। ठीक है, और ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे डील कर करके निकालेंगे तो काफ़ी लंबा बनेगा और जल्दी बनेगा भी नहीं। इसे बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उधर दो दो देने के बाद भी सिंपल होता है, अगर ऐसे करके निकालेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर दो इधर भी दे दूँ दो इधर भी दे दूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा पच्चीस, पच्चीस का अगर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा आपका फाइव। अब फिर मुझे तोड़ना पड़ेगा ये लाने के लिए, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो मुझे कह रहा है मैं उसी को तोड़ देता हूँ। मुझसे ये पूछ रहा है x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैं इसे तोड़ के देखता हूँ ये कितना आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है दो, मुझे इसका मान कितना मालूम है पाँच, तो मैं यहाँ पाँच रख देता हूँ माइनस दो बराबर कितना तीन। ये ऐसे अगर इसे मैं उस तरीके से निकालता हूँ तो काफ़ी लंबा बनता और जल्दी बनता भी नहीं। ठीक ना, और यहाँ पे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, यदि टू एक्स माइनस वन बाय टू एक्स बराबर सिक्स हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा ये पूछना है। तो जो दे रखा है टू एक्स माइनस वन बाय टू एक्स बराबर कितना दे रखा है छः, तो मैं इसे दो कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है तो मैं कॉमन ले लूँगा दो, एक्स माइनस वन बाय दो इसमें से ज़बरदस्ती ले रहा हो तो दो दोनों कितना हो जाएगा आपका चार एक्स बराबर छः, आप इसे काट सकते हैं ये तीन होगा। जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो ये एक्स स्क्वायर प्लस चार चौक सोलह एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय फोर एक्स और तीन तिया ये कितना हो जाएगा नौ, ये कट गया ये उधर जाएगा वन बाय टू तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, ये हाफ उधर जाएगा आधा उधर जाएगा साढ़े नौ, साढ़े नौ को लिख सकते हैं आप उन्नीस बट्टा कितना दो, या ऐसे लिख सकते हैं नौ सही वन बाय टू। ठीक है, थर्ड नंबर। इसके बाद जो चार नंबर है, चार नंबर भी काफ़ी ईजी, जैसे इसे मैंने बनाया वैसे ही बनता है, दे रखा है आपको फाइव ए प्लस वन बाय थ्री ए बराबर पाँच दे रखा है। देखिए लाना यहाँ पे मुझे तीन है, मगर यानी तीन का स्क्वायर लाना है, यानी तीन लाना है यहाँ पे,
मगर यहाँ पे 5 आ रखा है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लाना है मुझे इधर, मगर यहाँ पे आ रखा है कितना आपका 5 आ रखा है, सॉरी 3 आ रखा है, मुझे 5 लाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ और 3 से मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 5 कॉमन लूँगा तो 5 लूँगा तो इसके पास क्या बचेगा, ए प्लस, यहाँ 5 है नहीं तो 5 ये आ जाएगा, और मैं 3 से मल्टीपल कर देता हूँ। जब 3 से मल्टीपल करूँगा, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं, तो ज़बरदस्ती मैं कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ दोनों तरफ कर लेता हूँ 3, ये 3 से मल्टीपल करूँगा तो ये कट जाएगा आपका। मैं एक बार ठीक ठीक से लिख देता हूँ, मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 5 कॉमन लूँगा तो ए, और यहाँ पे है नहीं तो ये 15 ए हो जाएगा बराबर 5, ये कट गया, ये बनाया इधर। मैं अब 3 से गुना कर लेता हूँ, 3 से गुना करूँगा तो ये 3 है प्लस 1 में कितना 3 सॉरी 5 है, 5 है बराबर कितना 3। ये ऐसे आए, मैं ऐसे भी कर सकता था, इसे मैं एक ही बार में लिखा सकता, 3/5 सॉरी 5/3 लेता, 5 कॉमन या 3 से मल्टीपल, ये 3 ए हो जाता और प्लस 3 ए हो जाता और प्लस कितना होगा, ये 1/5 है बराबर कितना है 5, तो ये तो कट गया, ये उधर चला जाता, 3 ए प्लस 1/5 है बराबर कितना 3। अब स्क्वायरिंग टू बोथ साइड करूँगा तो आपका कितना आएगा, 9a² प्लस 5a का स्क्वायर कितना होता है 25a² प्लस, ये 3 दोना 6 हो जाता, 6/5 कितना 5 बराबर 3 × 9, मुझे ये निकालना है सिर्फ, इसको लेके उधर जाओ 9×5 = 45 सॉरी, अगर ये इधर जाएगा 6/5 हो जाएगा, 9×5 = 45, 45 में से अगर 6 गया तो 45 में से 6 गया तो कितना आएगा मेरे भाई, 3 × 6 हाँ 45 में से 6 गया तो कितना आएगा 39 बाय कितना 5, ये आपका आंसर होगा, समझे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी है, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पे बनता है, तो रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। मुझे x प्लस 1/x दे रखा है 3, तो x^6 प्लस 1/x^6 का मान कितना होगा ये पूछ रहे हैं। देखिए x प्लस 1/x आपको दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, मुझसे ये पूछ रहा है x^6 प्लस 1/x^6 बराबर क्या होगा। इसका एक रिजल्ट होता है x² प्लस 1/x², ठीक है, और आप इसे स्क्वायर क्यू करके भी निकाल सकते थे, क्यू करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं क्यू करके ही निकाल लेता हूँ। क्यू करके अगर मैं इसका क्यू चाहूँ तो क्यू कितना हो जाएगा आपका 3×9, वही 3×9 तो 27, यानी 9 जाएगा तो 18। अब इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 में से 2 जाएगा, वही जाएगा 324 माइनस 2 तो आपके कितना आएगा 322 आएगा, ठीक है, समझने में कतई दिक्कत नहीं हुआ अगर कहीं भी। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है और ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पे है, कह रहा है कि छः नंबर जो क्वेश्चन है फोर्थ में, 6 नंबर, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पे कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर कितना 4 है, तो कह रहा है कि x पावर सेवन प्लस 1/x^7 का मान ज्ञात करें, ये कह रहा है। तो इसका मुझे रिजल्ट देना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो रिजल्ट देखिए ये होता है x³ प्लस 1/x³ * x^4 प्लस 1/x^4 माइनस एक्स प्लस 1/x। अब देखिए ये 4 है, 4 का क्यू करूँगा 64, 64 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 64 में से 12 जाएगा तो ये 52 बचेगा, और ये 4 है, जैसे इधर में 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 2 जाएगा 14 होगा, फिर उसका स्क्वायर करूँगा 14 का 196 में से 2 जाएगा तो 194 माइनस कितना 4, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत अगर है तो आप बताएंगे, इसे डील करेंगे तो ये डील करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।
ताकि आपके सारे दोस्तों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। जो बिगिनर होंगे वो, और जो धुरंधर होंगे तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, ये तो साफ इजी क्वेश्चन है। और इससे भी हार्डर क्वेश्चन, ये तो इजी है, इससे भी हार्डर क्वेश्चन मैंने पीछे के वीडियो में डाल रखा है, अलजेब्रा का वो बनाए, उसमें मजा आता है, पसीने छूटते हैं उसमें, ठीक है। लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा।